नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्ची। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष क्या है और अंतरिक्ष में सभी तरफ काला ही क्यों दिखाई देता है, यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में अंधेरा ही क्यों रहता है। तो चलो दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष को हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ हवा नहीं होती, देखने के लिए प्रकाश भी न के बराबर ही होती है। ध्वनि यानी कि आपकी आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, इस कारण आप अंतरिक्ष में किसी का भी आवाज़ सुन नहीं सकते। तो चलो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ है। तो दोस्तों पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जो जगह होती है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में आप खुलकर श्वास नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती। वहाँ जीवित रहने के लिए आपको स्पेस सूट यानी कि अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ेगा। अंतरिक्ष एक वैक्यूम यानी कि निर्वात है, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष एक खोखली जगह नहीं है, क्योंकि दोस्तों तारों और ग्रहों के बीच में जो जगह होती है उसमें गैस और धूलों के कण भरी हुई होती है। इसके साथ ही दोस्तों अंतरिक्ष में कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे कि इन्फ्रा रेडिएशन, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इसके साथ ही दोस्तों अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ रहता है। दोस्तों खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्रह, उपग्रह, तारों, गैलेक्सी, इन सभी के बीच जो जगह होती है उसे हम स्पेस कहते हैं, जबकि हजारों, लाखों, अरबों, अनगिनत खगोलीय पिंड को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु पर टिकी हुई नहीं है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह सूर्य के चारों तरफ एक अक्ष में चक्कर लगाती है। चलो दोस्तों बात करते हैं कि हमारा अंतरिक्ष चारों तरफ से काला और अंधेरा क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा वजह माना जाता है। पहला, ऑर्बेल्स पैराडॉक्स। ऑर्बेल्स पैराडॉक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। तो दोस्तों ब्रह्मांड की इतनी तेज़ी से फैलने के कारण बहुत दूर आकाश गंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही फैल कर इंफ्रावेव, माइक्रोवेव और रेडियो में बदल जा रही है। और दोस्तों हमें पता है कि इंसानी आंखें केवल विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश को ही देख पाती है। दूसरा कारण है रंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी सितारे या जगमगाते खगोलीय पिंड हैं उसमें से ज़्यादातर पिंड अल्ट्रावायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट यानी कि प्रतिबिंबित करती है जो इंसानी आंखें देख नहीं सकती। तीसरा, अंतरिक्ष काला होता है क्योंकि दोस्तों लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष लगभग वैक्यूम यानी कि खाली होता है, क्योंकि दोस्तों अनंत अंतरिक्ष के तुलना में वहाँ बहुत ही कम अणु यानी कि पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में अंतरिक्ष में लाइट स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन होता है, लेकिन दोस्तों सितारों और ग्रहों के बीच बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण वहां लाइट स्कैटरिंग न के बराबर होती है। चौथा, तो दोस्तों अंतरिक्ष के ज़्यादातर पार्टिकल फोटॉन से भी छोटे होते हैं, जिसके कारण फोटॉन्स पार्टिकल से टकरा नहीं पाते, जिसके कारण लाइट स्कैटरिंग नहीं होता और लोग नहीं देख पाते। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे पार्टिकल्स नहीं होते, जैसे कि वाटर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आप अंतरिक्ष में कई बार लाइट स्केटिंग देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों अंतरिक्ष के काला होने के वजह के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट कर जरूर बताइएगा।